नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम पहुंच रहे हैं एक ऐसे स्टेशन की ओर जो अगर सही मायने में मैं बताऊं तो आज से कुछ ही समय पहले यानी जब ये रेलवे का काम चालू नहीं हुआ था तब भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तड़प रहा था, परेशान था। किंतु जब स्टेशन बनना चालू हुआ, डबलिंग का कार्य चालू हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चालू हुआ, तब इसमें कुछ परिवर्तन आया। तो आज मैं उसी की समीक्षा आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम तो आप ये देखिए, ये स्टेशन तक जाने का रोड है, जिस रोड से मैं आया एकदम खड़ंजा है और ये स्टेशन जाने का रोड है। अब आप समझ सकते हैं क्या बात है, क्या हाल है मेरे देश की कि 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और इस प्रकार से रोड बने हैं स्टेशन पर आने जाने के लिए। कि दोस्तों जब बारिश नहीं है तब ये हाल है और अगर बारिश हो जाए तब आप समझ जाइए कि यहाँ उड़ के जाएंगे या सुरंग से जाएंगे। ये देखिए इस साइड पानी ऐसे भरा है जैसे तालाब हो। और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपको स्टेशन परिसर भी दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये सरकारी क्वार्टर हुआ करते थे, यानी यहाँ पर जो इनके एम्प्लाइज़ थे, जो कर्मचारी थे वो लोग रहते थे। और अब हम आगे बढ़ते हुए आपको एक व्यू दिखाते हैं कि यहाँ पर स्टेशन पर क्या कार्य चल रहा है। तो देखिए यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी कीचड़ और मटेरियल भी जो यानी इनके पुराने जो सिग्नलिंग वगैरह निकले थे वो सब ऐसी फैले हुए हैं। मतलब अनियमितताएं अगर कही जाए तो यहाँ देखने को मिली हैं। और अब हम बिल्कुल एंट्रेंस पे प्रवेश कर रहे हैं जहाँ की दो हमें टिकट विंडो मिली। और जैसे ही, बहुत छोटा सा स्टेशन है, और जैसे ही हम आगे बढ़े तो अब हम चलेंगे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर। यहाँ भी दोस्तों बन चुका है, अब हम धीरे धीरे बनाएंगे। हालांकि हम यहाँ पर देख रहे हैं बहुत पेंडिंग है, कार्य बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। और यहाँ पर रैंप FOB तो बना है, फुटओवर ब्रिज, लेकिन रैंप जो है आप देख रहे हैं दाएं हाथ पे मेरा एक स्ट्रक्चर है, ये लोहे का जो दिख रहा है ये रैंप है। ये तो खैर किसी स्टेशन पर अभी नहीं बना, यहाँ बहुत पीछे है। दोस्तों अभी कुछ समय पहले की बात है, जब स्टेशन नहीं बना था तब यहाँ पर स्टेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, यहाँ प्लेटफॉर्म नाम की चीज़ ही नहीं थी। प्लेटफॉर्म बिल्कुल लो लेवल एकदम ग्राउंड पे थे, या अगर मैं ये कहूँ कि प्लेटफॉर्म थे ही नहीं। और ट्रेन पकड़ने के लिए बहुत कम ट्रेनें सी पैसेंजर रुकती थी। दोस्तों ये वही रास्ता है जहाँ से मैं आया था, तो यहाँ रास्तों की कमी नहीं है, कहीं से आप आइए कहीं को जाइए। हो सकता है मुझे आगे यहाँ पर कुछ स्टेशन पर मोटरसाइकिल, साइकिल, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी भी मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, लाइटिंग यहाँ पर, और दूसरा पहले टाइल्स देखिए, बहुत गंदा काम हुआ दोस्तों। यहाँ पर देखिए टाइल्स के बीच में दरार, यानी कि यहाँ सीमेंट लगा ही नहीं है। ये जो काम हुआ है, कौन सा ठेकेदार है कि जिसने इस तरीके से बहुत गंदा काम किया है, आप देख सकते हैं टाइल्स अभी टूट रही हैं। और मैं चल रहा हूँ तो मुझे टाइल्स में कटकट आवाज़ आ रही है, यानी बीच में नीचे मसाला ही नहीं भरा गया है। जस्ट टाइल्स रख के ऊपर से हल्का सा, जिसको कहते हैं टिप देना, वो कर दिया है। और शायद हमारे देश में या ताला खजूरी स्टेशन पर लाइट बहुत ज़्यादा सरप्लस है, कि कई कई बार होता है ना किसी चीज़ की अधिकता, मतलब ऐसा होता है कि वो चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि लाइट जो है वो जल रही है, अगर आगे होगा तो मैं दिखाता हूँ। शायद यहाँ लाइट इतनी ज़्यादा है कि स्टोरेज कैपेसिटी ख़त्म है और दिन में भी लाइट जल रही है, या फिर यहाँ पर स्टेशन वासियों को दिन में मतलब तारे देखने के लिए भी लाइटों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों अगर आपको मेरी भाषा पसंद ना हो तो क्षमा चाहूँगा, किंतु आप बताइए क्या दिन में लाइटें जलना ये सही है? और काम तो आप देख ही रहे हैं, किसी प्रकार की बाउंड्री नहीं है। हाँ डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, लेकिन स्टेशन निर्माण में बहुत कुछ पेंडिंग है, बहुत कुछ अच्छे तरीके से अच्छी क्वालिटी में नहीं हुआ है अभी तक जितना मैंने देखा। धीरे धीरे मैं आगे जा रहा हूँ। दोस्तों ये देखिए, आपने लाइट अभी देखा होगा, यहाँ पर भी देखिए काम बाकी है। इसमें तो अभी सैंड फिल होना है या स्वेल फिल होने के बाद ही टाइल्स बिछेंगी। ताला कुछ समय पहले बिल्कुल जंगल ही था, ये जो एरिया आता है आप अभी भी देख सकते हैं, सिर्फ पेड़ पौधे दिख रहे हैं। अब सोचिए अगर यहाँ पर स्टेशन ना होता, यहाँ तो दोस्तों लाइट ही नहीं लगी है। मतलब अब आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है
ताला खजूरी की, और हमें लगता है कि ये पूरा इसी तरीके से होगा, लेकिन हम वीडियो तो पूरी आपको दिखाएंगे और आगे चलेंगे। अब हम दोस्तों बिना देर किए हुए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 भी अभी सही से नहीं बना है, खैर वहाँ काम चल रहा है। बहुत छोटा स्टेशन है, यहाँ पर बहुत कम पैसेंजर आते हैं, ट्रेनों का बहुत कम ट्रेनों का ठहराव होता है। ये देख लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 1। अब हम चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर ताकि वहाँ का व्यू दिखा सके। ये लाइन का काम तो जो डबलिंग का है ये हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए आप, पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन एकदम हो चुका है, डबलिंग हो चुकी है, यहाँ तक कि CRS भी हो चुका है। तो CRS में तो दोस्तों बस लाइन का करना है, प्लेटफॉर्म से मतलब ही नहीं है। प्लेटफॉर्म तो सेकेंडरी है कि आप प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। अब मैं आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 भी दिखा देता हूँ कि यहाँ क्या हाल चल रहा है। दोस्तों अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या कोई सुझाव देना है तो मुझको ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को सुझाव पर भी अमल कर सकूं। जैसा कि हमारे कई मित्रों ने कमेंट के माध्यम से मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं, काफ़ी अच्छा अच्छा मतलब जानकारी भी मांगी है, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा अगर आप लोग सुझाव देते हैं मुझे तो, या कुछ जानकारी आप लोग चाहते हैं तो। यहाँ पर देखिए आप दाईं साइड में ताला खजूरी स्टेशन पर बाउंड्री वॉल का काम हो चुका है, लेकिन ये है ताला खजूरी स्टेशन का साइन बोर्ड, मैं सोचा फिर से दिखा दूँ। यहाँ दोस्तों मैं बता रहा था बाउंड्री का काम हो चुका है, लेकिन जो बाउंड्री के साथ साथ अभी जो स्टेशन है वहाँ पर ये देखिए लाइट, सबसे पहले दिन में भी लाइट जल रही है, शायद दिन में कुछ ढूंढा जा रहा है, जो कि बेहद गलत चीज़ है। हम चिल्लाते हैं सेव एनर्जी हमारी गवर्नमेंट चिल्लाती है, लेकिन ये क्या है कि रेलवे स्टेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें आता है, सरकारी लाइट का दुरुपयोग हो रहा है। और यहाँ देखिए टाइल्स वर्क में जगह जगह आगे आपको सीमेंट की टीप दिख जाएगी, कितना मतलब सुंदर कार्य हुआ है दोस्तों, कितना सुंदर कार्य हुआ है कि अब आप समझ सकते हैं कि इसको क्या बोलूँ मैं, बोलना अच्छा नहीं है। अब ये देखिए जो मैंने बताया था, यहाँ बाइक ही लोग लेके चल रहे हैं और इस साइड रास्ता बना लिया है लोगों ने, मतलब सरकारी प्रॉपर्टी को तोड़ना तो एक खेल है। यहाँ जिसका मन है वो सीधे प्लेटफॉर्म पे बाइक लेके आ जाता है, तो गवर्नमेंट को तो चाहिए कि गांव-गांव में प्लेटफॉर्म ही बना दे कि भाई चलो अपनी बाइक ही चलाओ। ये देखिए कितना साइड से निकल गए, अब कहाँ निकलेंगे पता नहीं। आखिर यहाँ पे स्टाफ क्या कर रहा है, अगर ये तोड़ा गया है, रास्ता बनाया गया है बाउंड्री वॉल तोड़ के, तो यहाँ का लोकल स्टाफ क्या कर रहा है। यहाँ देखिए साइकिल भी दिख गई, और एक साइकिल नहीं दो दो साइकिलें दिखी हैं। काम तो हुआ है, खैर लोग इसी में खुश हो जाएंगे। दोस्तों आपको पता है इसी चीज़ का लोग फायदा उठाते हैं, जहाँ कुछ नहीं होता है, जहाँ बहुत छोटा स्टेशन होता है वहाँ इतनी अनियमितताएँ होती हैं, कार्य करने में इतना ज़्यादा आप समझ सकते हैं, समझदार हैं कि मतलब सीमा ही पार हो जाती है, अगर मैं बोलूँ भ्रष्टाचार की, तो कि किस प्रकार से कार्य हुआ है। ये देखिए इनके कोई माई बाप ही नहीं है कि अभी कब बनेगा रैंप। और हम आगे बढ़ते हुए अब इस वीडियो के लिए तो मैं बस ये फुटओवर ब्रिज पकड़ के आपको यहाँ का व्यू दिखा के और सीधे आगे बढ़ना चाहूँगा, के बाद मुझे अभी आप लोगों के लिए अमेठी का व्यू भी लेना है। और अब यहाँ पर बहुत अच्छा जो नज़ारा कि यहाँ आप स्टेशन देख सकते हैं, पहले कुछ नहीं था तो अब काफ़ी कुछ है। हम सीधे बढ़ते हैं ऊपर जल्दी से ताला खजूरी के लिए, सॉरी ऊपर फुटओवर ब्रिज के लिए। और यहाँ से आप ऊपर से एक व्यू देख सकते हैं रैंप का, और जब रैंप आएगा तो ये हिस्सा काट दिया जाएगा और ये इसी में मिल जाएगा ताकि आप लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। अब हम ये सबसे अच्छा कार्य किया है कि दोनों तरफ सेफ्टी नेट यानी कि जाली लगा दी है ताकि किसी प्रकार की मिसहैपनिंग ना हो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अब हम सीधे नीचे भी आ जाते हैं, यही इतना ही है मेरे ख्याल से ताला स्टेशन का एक लुक था।
क्योंकि आगे मैं दिखाऊंगा कि प्लेटफॉर्म नंबर एक पे कार चल रहा है, मतलब अभी प्लेटफॉर्म बना नहीं है, उसका कार चालू होना है। खैर बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर इतना ही कार्य हुआ। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं बाउंड्री वॉल, जहाँ ये दो लड़के आ रहे हैं गांव वाले, ये पूरा स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, अभी ये बिल्कुल नहीं बना है, ये बनना बाकी है। और अभी स्टेशन आने जाने के लिए भी आप देख सकते हैं, मैं वहाँ तक आपको व्यू लेके चलता हूँ कि क्या हाल है। तो दोस्तों अंत में इतना ही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।